बोलो। फरवरी एंड में G20 परिषद होने वाली है। बाहर देश के लोग अपने शहर में विजिट देने के लिए आने वाले हैं। उस वजह से अपने शहर में पूरे औरंगाबाद शहर में पूरे रोड पे सौंदर्यीकरण का काम चालू है। अपने जो मेन मुख्य रोड है, मुख्य जो रोड है शहर के, उस पर अपने सिटी के लोगों ने उनके बंद जो गाड़ियाँ है, 4-व्हीलर, 2-व्हीलर, 3-व्हीलर ऐसे खड़े करके रोड पर एकदम ब्लॉक कर दिए। इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक भी जाम हो रही है। तो हमारे माननीय प्रशासक महोदय अभी चौधरी सर ने हमको आदेश दिए कि निकम सर के अंडर में ये गाड़ी हटाने की मुहिम चलाई जाए। तो इससे हमने 5 दिन पहले इनको सब नोटिस दिए थे, वार्निंग दिए थे, सब गाड़ी को नोटिस लगाए थे कि आपने अपनी गाड़ी हटा लो। पर बहुत से नागरिक ने गाड़ी हटा ली, पर किसी ने हटा नहीं। बाकी जो रह गए गाड़ियाँ, वो आज हम गाड़ियाँ ये मुहिम के द्वारा
उठाने का काम चालू है। अभी इसमें ये मुहिम में हमारे साथ आरटीओ है, पुलिस है, हमारा अतिक्रमण विभाग है, जोन नंबर एक जो हमारा है, वो पूरे स्टाफ है हमारा, वो सब सहभागी है। या भी जब तक पूरे गार्डन नहीं हटते तब जब तक माननीय कमिश्नर साहब का आदेश है। टारगेट है एक दिन का कुछ? ये आज के दिन की मुहिम है, पर अगला और एक टारगेट है उन देने वाले है साहब। साहब जिस दिन आदेश देंगे उस दिन और ये मुहिम चालू होने वाली। सर जुर्माना कितना लगा रहे हैं आप गाड़ी जमा कर रहे थे? ये 4-व्हीलर के लिए 5,000 रुपये, 3-व्हीलर के लिए 3,000 रुपये और 2-व्हीलर के लिए 2,000 रुपये। सर राम मंदिर के पास, रोशन गेट के पास और आजाद चौक के पास कंटिन्यू गाड़ा खड़े थे, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी हमारे माननीय अतिरिक्त आयुक्त साहब जो है निकम साहब, उन्होंने अभी बोले वो वहाँ के पूरे गाड़ियाँ जो है खड़े वो पूरे निकालने वाले। वहाँ के लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते सर हर वक्त? ये नहीं, अभी ये पूरे मुहिम में निकाल लेंगे गाड़ी। पुलिस भी हमारे साथ में, पूरी शक्ति के साथ, पुलिस भी साथ में है, पूरे शक्ति के साथ होने वाला है, पूरे रोड अपन क्लियर करने वाले। अभी तक हमने 11 गाड़ी उठाई है यहाँ से, जो नंबर एक में 11 गाड़ी उठाई है और अभी कार्रवाई चालू है। शुक्रिया। गाड़िया रखे हुए लोगों ने और भंगार जो गाड़िया रोड पे रखे है उसकी वजह से ट्रैफिक भी अड़तड़ा हो रहा है और उसके वजह से साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है, तो गाड़ी के नीचे बहुत सारा कचरा रहता है, उससे दुर्गंध भी फैल रही है, कुत्ते बैठते हैं वहाँ पे और कुछ बैठ गंदगी करते हैं, जानवर बैठते हैं, कुछ गंदगी करते हैं। वो हिसाब से हमने ये मुहिम माननीय आयुक्त अभिजीत चौधरी सर के मार्गदर्शन से और उनके आदेश से ये मुहिम राबुन रवा रहे और ये मुहिम अच्छे से सक्सेस करेंगे और नागरिकों को भी ये आह्वान है कि उन्होंने ताबड़तोब अपने वाहन लेके जाना है और वरना महानगर पालिका लेके जाके जब्त करेगी और उस पर बहुत सारा ज़्यादा दंड, 5,000 रुपये का दंड भी करेगी। उससे बेहतर ये है कि उन्होंने उनके वाहन पीछे हाथ से लेके जाना। सर कितने दिन की मुहिम चालू है सर ये जब तक ये पूरे वाहन खत्म नहीं होंगे तब तक मुहिम चलती रहेंगी। तो सर अभी जो है तो बहुत से ज्यादा रोड अभी जो अपने गवर्नमेंट ने बनाई है पर रोडों के ऊपर जो है तो पूरे गाड़ियां लगी हुई है। हाँ। रोशन गेट है, कटकटी गेट है, किरान तो पूरे है। पूरे पूरे गाड़ियां हटाने वाले हैं और जो गाड़े रनिंग पोजीशन में है वो सिर्फ उनको बोलने वाले हैं कि तुम आप खुद से लेके जाओ, अगर नहीं लेके गए तो वो रनिंग पोजीशन की जो गाड़ियां है वो भी हम उठाने वाले हैं। सर तारीफी गेटों के पास भी अतिक्रमण है तो वो कब हटाएंगे आप? अतिक्रमण के रेफरेंस में ऐसा है कि अतिक्रमण बहुत है शहर में, लेकिन जैसा जैसा हमको मदद मिलती है वैसा वैसा काम करते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।